दोस्तों अपने चैनल पे इस संडे से शुरू हो चुका है Q&A। आपके दिल दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और नेक्स्ट संडे आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हमारे भाई ने सवाल किया है और जिसको मैंने जवाब दिया है, आप समझे आप जाने तभी आपका चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल पिक किया गया है वो है टेक्निकल सरोज का। इन्होंने जो सवाल किया काफ़ी अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, क्या एक ही जीमेल आईडी से एडसेंस और यूट्यूब चैनल रहने से कुछ होगा क्या सर? इन्होंने पूछा है कि एक ही जीमेल आईडी से यूट्यूब और एडसेंस अगर हो तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं मेरे भाई, एक ही जीमेल आईडी से आप एडसेंस भी रख सकते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी रख सकते हैं। 90% लोग ऐसा करते हैं, 10% लोग ऐसा करते हैं कि दो जीमेल आईडी होता है, एक जीमेल आईडी से एक एडसेंस क्रिएट कर लेते हैं और एक जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, दोनों तरीके से पेमेंट आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं अखलाक टेक का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो सवाल किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। बड़े भाईजान, वीडियो वायरल नहीं हो रहा, क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं वीडियो वायरल नहीं होने के, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि रीज़न में क्या, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, ये चारों पांचों चीज़ जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान के चलिए कि आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और आपने SEO अलग अच्छे तरीके से नहीं की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं किया और आपका बैनर बहुत अच्छा है, तो अगर आपका बैनर अच्छा है और SEO जो है आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है, उस केस में आपका वीडियो काफ़ी नीचे आएगा, सर्च में नहीं आएगा, तो भी आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने SEO अच्छे तरीके से किया है और आपका थंबनेल जो है वो भी बेकार है, यानी कि वो बेकार थंबनेल कोई देख करके ही आपको लाइक नहीं करेगा, आपके वीडियो पर नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर होते हैं वीडियो वायरल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं क्लेम टीवी का। इन्होंने जो सवाल किया है वो काफ़ी अच्छा है। सर, रॉयल्टी फ्री वीडियोस और यूट्यूब लाइब्रेरी से डाउनलोड म्यूज़िक यूज़ करने से चैनल मोनेटाइज होता है क्या? जी हाँ मेरे भाई, अगर रॉयल्टी फ्री आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं और यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं भोजपुरी व्लॉग का। इन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल किया है। भैया, आपका चैनल ग्रो होने में कितना टाइम लगा? जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल ग्रो होने में कम से कम 2.5 से 3 साल लगे, तब जाके 160,000-165,000 जो है वो सब्सक्राइबर हुए। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी होता है कि वो इंस्टेंट वीडियो बनाना शुरू करते हैं और उनका चैनल 1 साल में ही ग्रो हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गए उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं होता है। तो इस केस में जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिसके माध्यम से आप चाहें तो उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके, जो उनको 4 साल 5 साल लगे हैं वीडियो चैनल ग्रो करने में, वो आप 4 महीना 5 महीने में ही चैनल ग्रो कर लें उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पूछ रखा, अगर इस पर वीडियो बनाई जाए तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हाइपर अजय का। सर, यूट्यूब अर्निंग लो हो गई है क्यों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ का YouTube अर्निंग जो होती है ना, वो कभी हाई होती है, कभी लो रहती है, किसी किसी महीने में काफ़ी लो हो जाती है, किसी महीने में काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग मिलती है। तो इससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कि मैंने जो सवाल का जवाब दिया उसके एवज में लाइट भी आ गई, यहाँ पे मेरा सेटअप जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं लुत्फार टेक्नोलॉजी का। लुत्फार टेक्नोलॉजी ने हमसे सवाल किया, सर मेरा सवाल है कि लास्ट 365 दिन में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है? मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद अगर लास्ट 365 दिन में 4000 आवर्स का वॉच टाइम नहीं रहे तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा? पिक माई क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल किया कि पहले साल में यानी कि 365 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, आपका चैनल अब मोनेटाइज हो गया, फिर दूसरे साल आपके 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चैनल आपका मोनेटाइज है तो मोनेटाइज ही रहेगा, डीमोनेटाइज नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया था। नेक्स्ट सवाल जो है वो पिक करते हैं बसंतपुर म्यूज़िक सेंटर का। इन्होंने सवाल किया, सर जब वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आने लगता है तो क्या वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वीडियो पे थंबनेल अच्छा है तभी तो व्यूज़ आ रहे हैं, और थंबनेल अगर अच्छा है, एट्रैक्टिव है, तो लोग आपके चैनल पे आ रहे हैं, आपके वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप भूल करके भी उसको चेंज मत कीजिए। अगर चेंज करेंगे और दूसरा थंबनेल लगाएंगे और इन केस अगर वो थंबनेल अच्छा नहीं हुआ, एट्रैक्टिव नहीं हुआ, तो व्यूज़ जो है वो डाउन हो जाएगा, और जैसे व्यूज़ डाउन होगा तो उसका इंप्रेशन दूसरों वीडियो तक, दूसरे सब्सक्राइबर तक नहीं जाएगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं नो विथ रितेश।
काफ़ी अच्छा सवाल किया है इन्होंने। सर क्या मैं किसी के वीडियो का एक छोटा सा क्लिप अपने वीडियो में लगा सकता हूँ, उस पर वॉइस ओवर कर दूंगा, कॉपीराइट नहीं आएगी ना? सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अगर आप दूसरे किसी के वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, दूसरे किसी के वीडियो को आप कॉपी करते हैं तो ये तो पहले कॉपीराइट है। अगर कुछ सेकंड का आप पार्ट लेते हैं, जैसे 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का, और तीसरे किसी वेबसाइट से आप कोई भी पार्ट जो है, यानी कि कोई वीडियो का पार्ट आप डाउनलोड करते हैं 10-15 सेकंड का, तो उस पर आप वॉइस ओवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फैक्ट्स वगैरह का चैनल होता है ना, कि वीडियो जो है वो चलती रहती है, वॉइस ओवर होता रहता है, तो आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नो कॉपीराइट वीडियो ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं मिस्टर राजेश टिप्स का। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुझे राय दिया है, और ये राय ये है कि आप अपना दूसरा यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, और वो भी टेक कैटेगरी का। तो दोस्त मैं नेक्स्ट टाइम में कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा था और कोशिश भी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं एक और YouTube चैनल बनाऊँ जो टेक हो, फुल्ली तौर से स्टार्ट टू एंड हो, यानी कि YouTube चैनल बनाने से लेकर के ग्रो करने तक का एक पूरा उसमें प्लेलिस्ट हो, जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने के काम आ सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये Q&A काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।